Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया है और आज भी मैं आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में ही बताने जा रहा हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब कम के बारे में. तो कम कम क्या होता है? कम एक वर्ब होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम फ्रेजल वर्ब कम के बारे में जानेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, कम का मतलब होता है आना. आप कम का इस्तेमाल यूज करना बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे. वो आता है, ही कम्स, मैं आता हूं, आई कम, तुम लोग आते हो, यू कम. बट कम के साथ जब प्रीपोजिशन कोई जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम एक एक करके सेंटेंसेस के द्वारा समझते जाते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं, फ्रेजल वर्ब कम का. ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस, मींस टू फेस या मीट, मिलना या रूबरू होना. आई केम अक्रॉस हर ब्रदर लास्ट ईयर, मैं पिछले साल उसके भाई से रूबरू हुआ, मींस मैं पिछले साल उसके भाई से मिला. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कम अप विथ, मींस प्रोड्यूस एन आइडिया, कोई विचार आना, कोई आइडिया आना. ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस में हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसका. आई हैव कम अप विथ एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है या मेरे मन में एक विचार आया है. ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है कम टू, मींस अमाउंट टू, कुल मिलाकर हिसाब बताना. तो अमाउंट टू सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे इसको, 24 ऑनियन एंड 34 टोमेटो, इट कम्स टू 50. टमाटर का 30 और कांदे का, मीन्स प्याज का 20 मिलाकर 50 रुपया हुआ. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम अमाउंट टू यानी कम टू का इस्तेमाल हम कुल मिलाकर हिसाब यानी पैसे का जो कीमत है उसका हिसाब कुल मिलाकर बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कम अप, मींस इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइसेस आर कमिंग अप, कीमतें बढ़ रही है. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, मींस कोई नई चीज नहीं है और मुश्किल चीज नहीं है. कम अप मींस प्राइसेस के बारे में हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं कम अप का, या गो ऑन भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में. ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है कम डाउन, मींस डिक्रीज इन प्राइस, जैसे गो डाउन भी बोल सकते हैं हम, कम डाउन भी बोल सकते हैं. तो द प्राइजेस ऑफ मोबाइल आर कमिंग डाउन, मोबाइल की कीमत घट रही है. ओके फ्रेंड्स, अभी लास्ट है कम बाय, कम बाय मींस टू पास, गुजरना. ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंसेस में हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसका, He just came by me, but I ignored him. वो मेरे पास से ही गुजरा था लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेजल वर्ब कम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी और आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका हम सेंटेंसेज में किस तरह किसे इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो देखते वक्त प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिए. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.